हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ एपिसोड नंबर 4 लेकर। आज हमारे साथ है लक्ष्मण जी। जी हाँ, एक किरदार जो खुद ही गुस्से में रहता है, लेकिन हमारे लक्ष्मण जी बड़े भोले हैं। इन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूँ, ये बड़े ही भोले हैं और चुलबुल इतने मैं बता नहीं सकता। चलिए इनसे ही बात करते हैं, ये कैसे हैं यही खुद बताएंगे आपको। तो आपका पूरा नाम? मेरा नाम हर्ष शर्मा है जी। हर्ष, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। हर्ष, जैसा कि आपका किरदार है उसमें आवाज़ रावण के टक्कर की होनी चाहिए, और आपकी आवाज़ है मेरी पिच से भी रावण। बस एनर्जी ख़त्म हो गई है? ख़त्म नहीं एनर्जी, मैं बस अपनी स्टेज पर दिखाना वो करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। वैसे आप स्टडीज़ करते हैं या अभी कुछ जॉब वगैरह करते हैं? स्टडीज़। कौन सी, क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो हर्ष, सबसे पहली एक छोटी सी बात जो मैं ये कहता हूँ कि आपका जो ये किरदार है, ये आप कितने साल से कर रहे हैं? ये किरदार मतलब दो साल। ये तीसरा साल है या दूसरा साल? ये दूसरा साल है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा, कोई जैसा ये किरदार है, ऐसे में कोई बड़े या कोई जानकार कोई ऐसा नहीं करते कि लक्ष्मण पैर छू लिया या कुछ इस तरह से? हाँ जी, होता है। उस समय कैसा फील होता है? मतलब एक अपने अंदर रिस्पेक्ट थोड़ी और आ जाती है, अपने कल्चर को लेके, अपने भगवान को लेके। ओके, उन पैर हमारे नहीं छूए जाते, पैर लक्ष्मण जी के छूए। एग्जैक्टली। तो बस हम इतना ही अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि उनका किरदार निभाने का एक मौका मिल रहा है, उनके थ्रू एक पहचान मिली है लक्ष्मण। तो ये लक्ष्मण जी जब आपके अंदर आते हैं, मतलब कि जो किरदार है वो आपके अंदर जब आता है, तो वो आपसे कुछ करवाता है या आपसे कुछ वो कहना चाहता है? कुछ नहीं, बस वो कभी लक्ष्मण जी ने कोई बात कही हो आपसे? बस अपने भाई की सेवा, सत्य का साथ। और जो रियल लाइफ है उसमें आप भी गुस्से वाले हैं या नहीं? नहीं, बहुत कम, कभी कभी। बहुत कम कभी कभी। तो मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहूँगा कि जैसे ये किरदार होता है, जब ये एक फॉर्म आती है, एक लय सी आ जाती है, उस लय के दौरान आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है कि बहुत प्यारा किरदार है एक। जब चीज़ें अंदर आपके डेवलप होने लग जाती हैं तो वो चीज़ें अपने आप ही स्टेज पे बाहर उभर के आती है। मैं बस कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा हो उतना अच्छा कर सकूँ। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने आप लोगों का इंटरव्यू लिया था जी, तो मेरे को एक कमेंट आया था कि तेरी क्या औकात, तू राम जी के साथ बैठा है। क्या ऐसा आपको लगता है कि एक एज ए यहाँ पर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, या कह लो मैं आपके साथ हूँ, आप सच में लक्ष्मण जी का रूप है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? औकात तो हमारी भी नहीं है, औकात तो हमारी भी इतनी नहीं है कि हम उनका किरदार निभा पाएँ। राम जी की मर्जी है, उनको जिससे जितनी सेवा लेनी है उतनी वो लेंगे। अगर लोग तो बोलते ही हैं, अब अगर 10 जनों को मेरा किरदार अच्छा लगेगा तो उसमें से 2 भी ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं था अच्छा। कमियां तो आप किसी भी चीज़ में निकाल सकते हो ना सर। एग्जैक्टली। तो आप यूथ के लिए क्या कहना चाहते हैं? यूथ के लिए बस अपना एक कल्चर कि हम कौन है, सनातन धर्म है अपना, वो आगे बढ़ाएं, बस अपने जाने कि हम सनातन धर्म क्या है, हमारा क्या रोल है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स भी आते हैं आपसे यहाँ पर? बहुत कम दो या तीन आते हैं, मतलब आते हैं। जीरो तो नहीं है ना नंबर? नहीं, आते हैं। तो वो क्या फील करते हैं आपको, बाद में कैसे छेड़ते हैं या बाद में आपसे क्या कहते हैं? कहते तो कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ कहते हैं कि कई हैं जो बहुत उसमें लेते हैं कि वाओ बहुत अच्छा है यार आप करते हो, कई हैं जैसे मजाक में, और लक्ष्मण कहाँ जा रहा है, मजाक बनाने वाले भी हैं, मोटिवेट करने वाले भी हैं। अच्छा, रस्ते में मैं एक दो बार आपसे मिला हूँ। हाँ जी, तो मैंने तो आपको लक्ष्मण कह के ही बुलाया है। हाँ, वो आपको एक पहचान मिली है मेरी कि लक्ष्मण है इस रामलीला में रोल करता है। लेकिन मेरा इरादा आपको हर्ट करने का या आपसे बुरा कहने का नहीं था। एक्चुअल में सच्ची बताऊं तो मेरी मेमोराइजेशन पावर जो है ना वो बहुत कमज़ोर है, ये मेरा वीक पॉइंट है। मैं बंदों का नाम भूल जाता हूँ लेकिन सड़क याद रखता हूँ। ये मेरी पता नहीं क्या बात है, मैं बंदों का नाम भूल जाऊँगा लेकिन सड़क किसी रास्ते से 20 साल पहले भी गया हो ना
याद रहेगी। खैर छोड़िए, मेरी आज आपकी बारी है जी। तो अब और छोटा सा यही बताइए, बस ये किरदार के माध्यम से आप न्यू जनरेशन को क्या कहना चाहिए? प्रेम, अपना त्याग जो बड़े भाई के टूवर्ड्स होता है वो हर कोई नहीं करता। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी अपने रिलेशन्स हैं, जो भी अपने बड़े हैं, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फैमिली के जिससे आप प्यार करते हो, आप कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन जी, वेरी लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे नो मोर क्वेश्चन। जब से आप इस करेक्टर में आए हैं, तब से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं इन 2 सालों में? 2 सालों में बस एक पॉजिटिव थिंकिंग आ गई। पॉजिटिव थिंकिंग मिल गई है, और इससे रियल लाइफ में कितना इफेक्ट हुआ है? बहुत इफेक्ट आता है। पोलाइटनेस, गुस्सा, बड़ों की रिस्पेक्ट। चलिए बस, मेरी इतनी विनती थी, आपने बहुत अच्छा समय दिया मुझे, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बैठ के, बड़ा आनंद आया। बस लक्ष्मण जी, आप अपार्ट फ्रॉम द ऑल लाइफ लक्ष्मण जी हैं, तो मैं अरे नहीं सर, बस बाकी रहा दोस्तों, आप लोगों में से किसी को बुरा ना लगे, ये सवाल मैंने इसीलिए किया था कि आप बैठे क्यों हो उनके साथ में। इस समय ये भी एक किरदार निभा रहे हैं और मैं भी एक किरदार निभा रहा हूँ। मेरा किरदार आप लोगों को होस्ट बनकर है, इनका किरदार लक्ष्मण जी को संबोधित करने का है। तो हम लोग अपने अपने किरदार में हैं और अपने अपना किरदार को बाखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा या बुरा, लाइक या डिसलाइक का बटन आपके हाथ में है, सब्सक्राइब का बटन भी आपके हाथ में है, करिएगा जरूर। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अब आगे कौन मिलते हैं हमसे, देखते हैं।